हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? तो उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे ही होंगे। एंड आप आज मैं जो लेके आई हूँ ये मेंस स्टॉल है कॉटन के। इस तरह से देखिए, सारे डिज़ाइन है, अलग अलग डिज़ाइन है और बहुत ही सुंदर थे, तो सोची आज आप लोगों के साथ शेयर करूँ। और दूसरी बात कि वीडियो बहुत दिनों बाद अपलोड कर रही हूँ, इसके लिए सॉरी आप सभी से। तो ये जो मेंस स्टॉल है सारे बनके तैयार है बल्क में, तो सोची आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। तो देखिए, फर्स्ट इस तरह से वर्क है। एंड इसके साथ मैं ये भी बता देती हूँ कि इसके साइज़ क्या है। इसके साइज 40-80 का साइज है ये, और सभी में मल्टी कलर वर्क है। एंड ये दोनों में है, बूटा और बिना बूटा दोनों में मैंने बनाया है। मैं दोनों आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। मल्टी कलर वर्क है एंड बहुत ही खूबसूरत है। डबल थ्रेड का ये कॉटन का मेंस स्टॉल है, देख लीजिए। तो वर्क मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, और अच्छा लगेगा तो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। देखिए, ये फर्स्ट वाला इस तरह से है, सेकेंड वन इस तरह से है। इसमें फिश का मोटिव्स बना हुआ है दोनों साइड। जितने भी स्टॉल बने हुए हैं लगभग 10 इंच का वर्क है दोनों साइड आंचल में। देखिए इस तरह सारे लाइट वर्क में हैं, क्योंकि ये सारे मेंस के लिए हैं तो लाइट वर्क में बने हुए हैं। देखिए यहाँ बहुत सारे पीस हैं अभी बने हुए, बट इसमें से कुछ मैं आपके साथ खोल के दिखा रही हूँ, शेयर कर रही हूँ, ताकि आप लोगों को समझ आए कि मेंस स्टॉल में किस तरह के डिज़ाइन बनते हैं। देखिए सारे डिज़ाइन मुझे अच्छे लगे हैं, तो सोची आपके साथ शेयर करूँ। देखिए कलर देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। देखिए सर, कलर कॉम्बिनेशन भी एकदम मिला के दिया गया है। और वैसे भी ये मेंस स्टॉल जो होते हैं ऑफ वाइट में आते हैं, तो इस पे सारे कलर बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखते हैं। देखिए मैं धीरे धीरे करके सारे पीस आपको दिखा देती हूँ। देखिए इस पे सारे कलर जितने भी है, पिंक कलर भी है, वो सब खिल के आ रहे हैं। देखिए और डिजाइन सब एक से एक है, सुंदर है, बेहतर है। तो बारी बारी करके मैं सिंगल में फोल्ड में ही मैं आपको सारे डिजाइन दिखा देती हूँ। देखिए ये सेकंड वाले भी बहुत सुंदर लग रहे हैं, फिश वाले हैं। और आपको इसमें से कौन सा ज़्यादा अच्छा लगा आप प्लीज़ मुझे बताना कमेंट करके। देखिए सही में अलग अलग डिज़ाइन है, कोई एक दूसरे से मैच नहीं कर रहा है। सारे में अलग अलग तरह के डिज़ाइन बनाए गए हैं। देखिए ये बिना बूटा वाला है, मैंने फर्स्ट आपको दिखाया था बूटा वाला, एंड ये बिना बूटा वाला है। देखिए सारे लाइट वर्क में है लेकिन बहुत सुंदर दिख रहे हैं। देखिए मैं जल्दी जल्दी से सारा दिखा दी। ये देखिए ये सबसे सुंदर लग रहा है, छोटे छोटे एलिफेंट का मोटिव्स डाला गया है जो बहुत ही सुंदर लग रहा है देखने में। आप जब भी वर्क करते हो तो उसमें भी आप ध्यान रखिए कि कलर कॉम्बिनेशन कैसे सेट करें जो ज़्यादा बेहतर दिखे, ठीक है। देखिए ये 40-80 का है, यहाँ शो भी हो रहा है, 40-80 का इसका साइज है। ये देखिए साड़े ही बहुत खूबसूरत है, और मैं साड़े के साड़े, क्योंकि ये ज़्यादातर मेंस स्टॉल होते हैं शादी ब्याह में, गिफ्टिंग के तौर पे इसको यूज़ किया जाता है, तो समय मैंने मल्टी कलर ही रखा है ताकि ये ज़्यादा सुंदर दिखे। अगर आपको भी ये बनवानी है तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। देखिए साड़े ही बहुत सुंदर। देखिए मैं एक एक करके सारा दिखा सकती हूँ, ऐसे तो बहुत ज़्यादा है बट जितना पॉसिबल है मैं आपके साथ शेयर कर सकती हूँ, कर रही हूँ। देखिए सब में एक से एक डिज़ाइन है और सभी में अलग अलग है, कोई एक दूसरे से मैच डिज़ाइन नहीं है जैसा आप देख ही रहे हो। कोई भी जो पार्टी फंक्शन होते हैं या रिटर्न गिफ्ट होते हैं वहाँ पे ये जो है परफेक्ट होता है गिफ्टिंग के लिए, तो ज़्यादातर ये शादी ब्याह में ही बनवाए जाते हैं।
तो अभी सातवीं सीजन था तो उसमें ये बन के गया है। देखिए अभी यहाँ सिर्फ रेड से है, देखिए ओनली रेड से इसमें वर्क किया गया है, पूरा फुल्ली रेड है जो कि बहुत सुंदर लग रहा है। कभी कभी होता है क्या, मल्टी कलर भी सोबर लगते हैं एंड सिंगल कलर भी सोबर लगते हैं, तो ये सिंगल कलर में है, ओनली ब्लैक से आउटलाइन है एंड रेड से इसका पूरा वर्क किया गया है। देखिए ये फिर से मल्टी कलर है, भवड़ा का डिज़ाइन है जो कि बहुत ही सुंदर लग रहा है देखने में। तो सारे स्टॉल मैंने बारी बारी से आपको दिखा दिए हैं और एक लास्ट वन भी मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। देखिए ये भौड़ा का डिज़ाइन है, दोनों भौड़ा ही है अलग अलग तरह के। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और जैसा कि देख रही है जितने भी थे लगभग मैंने आधा से ज़्यादा आप लोगों के साथ शेयर कर दी हूँ, और आपको इसमें से जो भी अच्छा लगे या लगा होगा और आप बनवाना चाहते हो तो प्लीज़ मुझे कॉन्टैक्ट ज़रूर कीजिएगा और साथ में कमेंट करना मत भूलिएगा कि ये कैसा बना था। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही और उम्मीद करती हूँ ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट तो ज़रूर ही कीजिएगा, और पूरे वीडियो मेरे साथ बने रहने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।